रिसेंटली मैं ट्विटर स्लैश एक्स पे एक थ्रेड पढ़ रहा था नोवाक कागन का। नोवाक कागन एक अमेरिकन एंटरप्रेन्योर है। नोवाक कागन अपने उस ट्वीट में बताते हैं कि जस्टिन बीबर ने 285 गाने गाए हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 85 ही हिट हुए हैं और उनका हिट रेशियो है 30%। टेलर स्विफ्ट ने 243 गाने गाए हैं और उनमें से सिर्फ 59 ही हिट हुए हैं, उनका हिट परसेंट है 24%। और ड्रेक ने 133 गाने गाए हैं जिनमें से 38 गाने हिट हुए हैं और उनका परसेंटेज है, हिट परसेंटेज है 28%। मतलब ये कि इन सारे पॉपुलर सिंगर्स में से, इन सारे पॉपुलर कलाकारों का 74% जो काम है, 74% जो आउटपुट है वो पॉपुलर नहीं है। तो नोवाक कागन ये बात बोलते हैं कि जब इन आर्टिस्ट का मैक्सिमम काम, मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम मेहनत पॉपुलर नहीं है, लोगों को पता भी नहीं चलता, लोगों को इतना पसंद भी नहीं आता, तो हम और आप जैसे लोग एक वीडियो बनाने के बाद, एक आर्टिकल लिखने के बाद, एक ब्लॉग पोस्ट लिखने के बाद और उनमें अगर व्यूज़ नहीं आता है तो हम लोग स्टॉप हो जाते हैं, हम लोग रुक जाते हैं, हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। और ये बात कहीं ना कहीं मुझ पर भी लागू होती है, मुझे भी ऐसा लगता है। एक्चुअली मेरे यूट्यूब पे वीडियोस नहीं चलते हैं, जितना जाना चाहिए उतना नहीं जाता है। किसी वीडियोस पे 6-7 व्यूज़ आते हैं, किसी पे 10-15 आते हैं, किसी पे 30-32 आते हैं, किसी पे 50-60 आते हैं। ये सब व्यूज़ मैक्सिमम नहीं है और ये इतना व्यूज़ नहीं है जिससे मैं सेटिस्फाई हो जाऊँ, लेकिन मैं उसमें खुश रहता हूँ। क्यों खुश रहता हूँ? क्योंकि मैं अगर इस बात को लेकर परेशान हो जाऊँ कि मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो फिर मैं अच्छा कंटेंट नहीं बना पाऊँगा, मैं अच्छे से लोगों को सर्व नहीं कर पाऊँगा, मैं अच्छे से अपनी जर्नी लोगों के पास नहीं बता पाऊँगा। तो मेरा काम सिंपली ये है कि बिना डिमोटिवेट हुए वीडियोज़ बनाते जाना है, कंसिस्टेंसी के साथ अपने आप को बेहतर करना है, अपने आउटपुट को बेहतर करना है और वीडियोज़ बनाते जाना है। क्योंकि जब इन वर्ल्ड फेमस कलाकारों का जब मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम काम लोग पसंद नहीं करते तो फिर मैं किस खेत के मूली हूँ। इसलिए अगर कोई भी बंदा कोई भी काम करना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, तो आप एक दो चीज़ करके छोड़ मत दो, एक दो चीज़ करके डिमोटिवेट मत हो जाओ, बल्कि उसको करते रहो कंटिन्यूसली, देखो कुछ एक्सपेरिमेंट करो। और मैं भी वैसे ही करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे पता है कि अगर मैं इम्प्रूव करूँगा, मैं अगर ज़्यादा वैल्यू दूँगा, मैं अगर अच्छी बातें करूँगा तो लोग मेरे भी कंटेंट को देखेंगे। यहाँ मुझे मिस्टर बीस्ट का एक बात याद आता है। मिस्टर बीस्ट बोलते हैं, मिस्टर बीस्ट दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर हैं और उनके चैनल की सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप है। तो मिस्टर बीस्ट बोलते हैं कि मेरे पहले 500 वीडियोज़ बिल्कुल ही फालतू थे और बिल्कुल ही बकवास थे। वो आज भी ये बात बोलते हैं, आप उनके कई इंटरव्यूज़ देखेंगे तो उसमें वो बोलते हैं। तो मिस्टर बीस्ट बोलते हैं कि पहले आप बनाओ, पहले आप क्वांटिटी पे फोकस करो। जब आप क्वांटिटी पे फोकस करोगे तो आपकी क्वालिटी धीरे धीरे इम्प्रूव होगी, उसके बाद आपको क्वालिटी पे इम्प्रूव करना है, क्वालिटी पे फोकस करना है। और मैं भी यही करने की कोशिश कर रहा हूँ। लोग बस आपके सक्सेस को देखना चाहते हैं, लोग आपके इस बात को देखना चाहते हैं कि आपने किसी भी चीज़ को कितनी बार करेक्ट किया, लेकिन आपने उस करेक्शन तक पहुँचने के लिए कितने मिस्टेक्स किए इसको कोई नहीं देखना चाहता। सो ये रहा मेरा एक छोटा सा वीडियो, छोटा सा लाइफ लेसन। कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। दिस इज़ फरहान शमीमी, थैंक यू सो मच।